गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस, और वॉइस के दो प्रकार जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कहलाता है, ये हम लोग एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में ले जाने के लिए किस तरह चेंज कर सकते हैं, उन सारे फार्मूला के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। आपको एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाएंगे और सारे स्ट्रक्चर को आपको बहुत ही सरल शब्दों में सरल तरीके से सिखाएंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। हम इसमें पार्ट्स लेकर आए हैं, पार्ट 1, 2, 3, यानी कि हर सेक्शन को हम लोग अलग अलग वीडियो बनाकर आपको पढ़ाएंगे, और आपको पैसिव वॉइस में कोई भी दिक्कत ना हो, एक्टिव वॉइस आपको सरल रूप में जान सके, वो आपको सिखाएंगे। आइए देखिए, जानते हैं वॉइस। देखिए वॉइस में क्या होता है, आपका दो किस्म का वॉइस होता है, एक हो गया एक्टिव वॉइस और दूसरा हो गया पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। देखिए एक्टिव वॉइस आपको एक एग्जाम्पल देख के जरिए समझाएंगे। सी राइट्स स्टोरी। इसमें आपको समझना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या है, भाव क्या है और ऑब्जेक्ट। पैसिव में हम लोग क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट को फर्स्ट में लिखेंगे, देखिए अ स्टोरी, और जो भाव 5 या भाव 1 जो भी आएगा उसको हम लोग, अगर यहाँ का ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, अगर प्लूरल आएगा तो आर करेंगे इज। भाव 3 क्या होता है, रिटर्न। पैसिव फॉर्म में आपको समझना होगा भाव 3 ही आएगा और बाय हर। ये बाय हर कंपलसरी नहीं होता है, आप यहीं तक लिख सकते हैं अ स्टोरी इज रिटर्न, रिटर्न मतलब अ स्टोरी इज रिटर्न तक ही, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो बाय हर भी लिख पाएंगे इसमें। तो देखिए मेन क्या है कि इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस भाव प्लस ऑब्जेक्ट, ये आ गया आपका एक्टिव में। लेकिन पैसिव में ले जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको आएगा एक्सिलरी वर्ब, एक्सिलरी वर्ब प्लस आएगा आपका मेन वर्ब आ सकता है, यानी कि वर्ब 3 कंपलसरी, और यहाँ बाय एजेंट आपको आ सकता है। बाय एजेंट मतलब जो बाय हर आप देख रहे हैं वही। देखिए इस तरह आप समझ पाएंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस के तरीके, लेकिन इसको जानने के लिए आपको फार्मूला का ज़रूरत होता है। उसके पहले आपको हम बताएंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में बदलने के सही तरीके। देखिए पहले आप अगर फार्मूले के बारे में जान पाएंगे तो आपको बहुत ही आसान होगा इसमें, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में हम लोग किस तरह बदल पाएंगे, आप उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। उतना भी मुश्किल नहीं है अगर आप इतना सोच पा रहे हैं, आसान है। देखिए पहले क्या हो गया कि अगर प्रेजेंट टेंस आया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, अगर सिंपल प्रेजेंट आया है प्रेजेंट टेंस, तो इसमें क्या होता है कि आपका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। इसमें ले जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले आएगा ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3, और इधर अगर कोई है एजेंट तो लग सकता है। दूसरा देखिए इसमें क्या गया, सिंपल प्रेजेंट आपको बता चुके हैं, अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अगर हम जाएंगे तो उसके पहले क्या आपको बताएंगे स्ट्रक्चर। देखिए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4, यानी कि VING और ऑब्जेक्ट। तो हर बार आप जानिएगा कि पैसिव में ऑब्जेक्ट का यूज पहले होता है। देखिए ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर आपको लिखना ही है, प्लस इज अ वर्ब फॉर है, इसको बदल कर आपको क्या लिखना है, बींग लिखना है, बींग प्लस वर्ब 3, और जो बाकी है वो उधर चल जाएगा। देखिए फिर भी आपको समझ में आए तो एक बार फिर से पढ़ लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यहाँ आपको समझने के लिए स्ट्रक्चर को होना जरूरी है। देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज हैव
प्लस बी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए पहले आएगा ऑब्जेक्ट प्लस ये जो हैज हैव आप देख रहे हैं, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, हैज हैव ही कीजिए प्लस ये जो वर्ब थ्री है इसको बदलना पड़ेगा आपको बीन में, बीन प्लस और वर्ब थ्री डट डट। उसी तरह देखिए समझिए फोर्थ नंबर पर है प्रेजेंट, अब बात करेंगे देखिए सिंपल पास्ट के बारे में। देखिए सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस इसमें क्या होता है कि आपको सब्जेक्ट प्लस बाई टू प्लस ऑब्जेक्ट इसमें आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट, देखिए ऑब्जेक्ट हो गया प्लस एज अ वर्ब टू है इसको हम बताएंगे वाज वेयर, वाज वेयर और अंत में भी थ्री प्लस बाकी का जो भी है तो वो आ सकता है। देखिए आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें इसको आप अच्छे से पढ़िए और समझिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन में अगर एक्टिव फॉर्म में ए आता है तो पैसिव में आपको ए करना ही पड़ेगा, और इसके जरिए हम आपको सारे एग्जांपल आपको पढ़ाएंगे बताएंगे, आप समझ पाएंगे अच्छे से। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी समझ लीजिए, टेंस इसमें क्या होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वी फोर यानी कि वी वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इधर देखिए आपको बदलना पड़ेगा ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर, वही लिखना है जो वर्ब फोर आप देख रहे हैं, वर्ब फोर को आप बींग में बदल दीजिए, बींग प्लस वी थ्री। उसी तरह आपको बताएंगे देखिए यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस जो है सब्जेक्ट हैड वी थ्री ऑब्जेक्ट इसको हम लिखेंगे, देखिए ऑब्जेक्ट हैड को हैड ही लिखना है और जो वर्ब थ्री है उसको लिखना है बीन प्लस और वर्ब थ्री और डट डट। उसी तरह आपको समझाएंगे देखिए अगर मान के चलिए मॉडल वर्ब आ गया, मॉडल वर्ब यानी कि विल विल शैल मे माइट कैन कुड ये भी जो भी मॉडल वर्ब आएगा तो उसमें आपको क्या करना है, देखिए मॉडल वर्ब अगर मॉडल वर्ब्स में हमेशा ही भी वन आता है पहले शुरू में भी वन, पहले आपको समझा देते हैं। देखिए मॉडल वर्ब क्या होता है विल शैल कैन मे माइट, ये पास्ट फॉर्म हो गया देखिए माइट और ओल्ड शुड कुड मस्ट। अगर इनके जरिए यहाँ पे भी वन आया है तो आपको क्या करना पड़ेगा इसके बाद में, देखिए अगर भाव वन आता है हमेशा ही याद रखिएगा तो क्या करना है आपको यहाँ पे मॉडल भाव, देखिए मॉडल भाव लिखकर यहाँ पे जो भी मॉडल वर्ब आपको एग्जाम में आया है मॉडल वर्ब प्लस बी करना है, बी प्लस बी थ्री यानी कि आपको समझाएंगे देखिए विल शैल कैन मे माइट वुड शुड कुड, ये जो आपका जो आप देख रहे हैं इसको बस लिख कर प्लस बी करना है और भी थ्री कर देना है बस। देखिए अगर इस तरह आप कर पाएंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। हम आपको बता चुके हैं देखिए अगर एक्जिलरी वर्ब में जो पैसिव होता है उसमें लाने के बाद हम लोग एक्जिलरी वर्ब लिखते हैं और उसके बाद भी थ्री को आना ज़रूरी है, और यहाँ जो वर्ब है वहाँ पर जाकर एक्जिलरी वर्ब में चेंज हो जाएगा और यहाँ का जो ऑब्जेक्ट है वहाँ पे जाके फर्स्ट में आएगा और ये जो सब्जेक्ट है वहाँ पे जाके भी चेंज हो सकता है। तो आपको आगे और बताएंगे, आप देखते रहिए।
अच्छा, अब हम लोग जानेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस में जो बाकी का फॉर्मूला है वो हम लोग किस तरह समझ सकते हैं। देखिए इसमें हम लोग जानेंगे, देखिए डोंट और डजंट आया है, यानी कि कोई भी सेंटेंस नेगेटिव में आया है, डोंट और डजंट प्लस वी वन में आया है, तो इसको हम लोग पैसिव में ले जाने के लिए करेंगे इज एम आर प्लस नॉट पॉप थ्री। यानी कि अगर सिंगुलर आया है तो इज, अगर आई आया है, आई यानी कि अपने आप को आई, तो एम, अगर बहुत सारा आया है, बहुत सारा लोग और प्लूरल में आया है तो आर नॉट करेंगे, और उसके बाद करेंगे वी थ्री। देखिए दूसरा में पास्ट में अगर आया है, अगर डिंट प्लस वी वन आया है तो क्या करना है आपको, वाज वेर प्लस नॉट पॉप थ्री। वाज करेंगे आप सिंगुलर नाउन से, वेर करेंगे आप प्लूरल नाउन से, यानी कि बहुत सारे सब्जेक्ट आया है तो। देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी कि जो आप ऑर्डर देंगे, तो ऑर्डर देने के लिए अगर आपको आएगा तो उसमें अगर पॉजिटिव में आता है तो वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव में आएगा तो डोंट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, ये आया है तो आप पैसिव में लाने के लिए आपको लेट, अगर पॉजिटिव में लाना है, देखिए लेट ऑब्जेक्ट बी वी थ्री करना है पॉजिटिव में। अगर हेल्प द पुअर आया है तो लेट द पुअर बी हेल्प होगा आंसर। डोंट प्लस वी वन ऑब्जेक्ट आया है, डोंट हेल्प द चीटर आया है तो क्या होगा, लेट द चीटर नॉट बी चीटेड होगा, इसको आपका समझना पड़ेगा। देखिए काइंडली प्लीज वी वन ऑब्जेक्ट आया है, अगर रिक्वेस्ट आया है तो आपको हमेशा समझना पड़ेगा रिक्वेस्ट में क्या होता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस वी वन, याद रखिएगा। पीपल सेड बिलीव, बिलीव में देखिए आपको स्पेलिंग रॉन्ग है, बिलीव इस तरह आया है, थिंक कंसिडर आया है तो आपको इट इज सेड बिलीव्ड थॉट और कंसिडर्ड दैट करना है, उसको लिखना है। थैंक यू। अगर इम्पेरेटिव आएगा, इम्पेरेटिव मतलब हो गया कि आपको ऑर्डर देने वाला सेंटेंस या आपको रिक्वेस्ट करने वाला सेंटेंस, देखिए इम्पेरेटिव इसमें आपका रिक्वेस्ट भी आ सकता है। तो इम्पेरेटिव दो तरह का होता है, देखिए इम्पेरेटिव में भी दो तरह का होता है, आपको समझना ज़रूरी है। एक होता है कि आपको पॉजिटिव में, यानी कि इसमें लगेगा डू प्लस वी वन, और दूसरा होगा कि आपको नेगेटिव में होगा डोंट प्लस वी वन। तो इसको हम समझेंगे इस स्ट्रक्चर के जरिए, देखिए इसे आपको बताएंगे आसान तरीके से, आप समझ पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में कोई भी दिक्कत है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, अगर देखेंगे अंत तक तो आपको समझ में आएगा कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कोई उतना मुश्किल चीज़ नहीं है। देखिए समझ लीजिए कि वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो गया, डोंट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए अगर डोंट प्लस वर्ब वन आया है या वी वन, पहले मान बात कीजिए कि वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट आया है तो इसमें क्या करेंगे आप, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी कीजिएगा प्लस वर्ब थ्री। देखिए ये जो वर्ब वन है इसको चेंज करके हम लोग बी करेंगे और ऑब्जेक्ट को हम लोग लिखेंगे पहले, और ये इम्पेरेटिव है तो इसे लिखेंगे लेट, लेट प्लस ऑब्जेक्ट बी प्लस वर्ब थ्री। अगर इसी तरह देखेंगे तो अगर डोंट आया है, कोई आदेश आपको दे रहा है डोंट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट आया है तो आप क्या करेंगे कि इसमें आपको लिखना है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ये जो डोंट है इसमें हम लिखना है नॉट प्लस बी और प्लस वी थ्री। देखिए डोंट नेगेटिव में आएगा तो आपको लेट ऑब्जेक्ट लिखना है, नॉट बी वर्ब थ्री लिखना है। देखिए उसी तरह आपको आगे समझाएंगे, इसमें देखिए क्या करना है आपको, अगर प्लीज़ आया, देखिए प्लीज़ या काइंडली, प्लीज़ या काइंडली भी आया है और वी वन प्लस ऑब्जेक्ट आया है तो आपको क्या करना है, देखिए यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट आपको करना होगा। एग्जाम्पल में आपको समझाएंगे, देखिए तो पहले एग्जाम्पल, हेल्प द पुअर, यहाँ पे देखिए वर्ब वन आया है और ये ऑब्जेक्ट आया है तो क्या हो गया, इसको आंसर में लिखने के लिए
लेट द पुअर बी हेल्प्ड, इस तरह कर देना है। देखिए उसी तरह अगर आपको दूसरा आया है डोंट चीट द बेबी, बेबी को चीट मत करो, तो क्या होगा देखिए द पहले लेट लिखिए लेट द बेबी नॉट बी चीटेड, इस तरह आप कर सकते हैं। और देखिए तीसरा क्या आ गया, अगर ए आया है प्लीज प्लीज सेव द चिल्ड्रेन, ए आया है तो क्या करना है आपको आंसर में, यू आर रिक्वेस्टेड, देखिए यू आर रिक्वेस्टेड टू सेव द चिल्ड्रेन, इस तरह आपको करना होगा। देखिए अगर ये कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, इन्हीं फॉर्मूला को यूज करके हम लोग ये बनाए हैं, ये एग्जाम में कभी कभी पूछ सकता है आपको, इसलिए आपको प्रिपेयर होना चाहिए। अगर प्रोनाउन आपको समझ में आए तो आप पैसिव और एक्टिव में अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए प्रोनाउन दो तरह का होता है, एक सब्जेक्टिव की तरह और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव, यानी कि एक पहला आता है सब्जेक्टिव आता है शुरू में और ऑब्जेक्टिव आता है अंत में। देखिए तो अगर आई देखिए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन आपको समझ में आना जरूरी है। देखिए आई वी, इसमें क्या हो गया आई क्या मी, वी आएगा तो अस हो गया, ही आएगा तो हिम, सी आएगा तो हर, इट आएगा तो इट ही होगा, यू का यू ही होगा और दे का देम होगा। आपको कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझाएंगे। देखिए शी कॉल्स मी, एक हो गया ये। फिर दूसरा देखिए अभी आपको सब बताएंगे लिखकर, वी वॉच अ सिनेमा, देखिए ही डेकोरेट्स हिज रूम, आई प्रिपेयर डिनर, दे क्लीन द किचन। देखिए आपको इतना से पहले समझाएंगे, देखिए सी कॉल्स मी, सी कॉल्स मी, सी कॉल्स मी यानी कि वो लड़की ने हमको बुलाया है, सी कॉल्स मी, तो यहाँ क्या कर रहे हैं देखिए मी जो ये है इसके बदले हमको यूज करना है आई, क्योंकि ए हो गया ऑब्जेक्ट, हमको पढ़ रखना है सब्जेक्ट में। देखिए आई हो गया आई, ए हो गया भाव वन भाव फाइव, यानी कि भाव फाइव दिया है तो आई लेगा एम, आई एम कॉल्ड, इतने आप कर सकेंगे। अगर आप पूरा करना है तो आई एम कॉल्ड बाय, देखिए सी आया है सब्जेक्ट में तो क्या हो गया हर। अगर ऑब्जेक्ट आया है तो ए सबको हम लोग चेंज करेंगे, इस तरह ऊपर जो दिया है आपको सब्जेक्ट लाना, सब्जेक्ट में लाना हो तो, अगर सब्जेक्ट को लाना है ऑब्जेक्ट में तो एक आपको करना पड़ेगा। देखिए तो दोनों आपको समझना ज़रूरी है। वी वॉच अ सिनेमा, देखिए अ सिनेमा इज वॉच्ड बाय अस, वी के बदले क्या हुआ है अस हो गया। ही डेकोरेट्स हिज रूम, इसमें क्या आंसर क्या हो गया, His room is decorated by he का क्या देखिए था him, उसने देखिए आपको समझाएंगे। I prepare dinner, इसमें क्या करना है आपको, dinner जो अंत में आया उसको आगे लिखिए dinner
इज प्रिपेयर्ड बाय मी, देखिए आई का मी, दे क्लीन द किचन, क्या लिखना है, द किचन इज क्लीन्ड बाय देम। देखिए इस तरह अगर आप समझेंगे, अगर सब्जेक्टिव शुरू में आया है तो उसको लाना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव में, तो ए यूज़ कीजिए। अगर ऑब्जेक्ट में ए आया है तो आपको सब्जेक्ट बनाना है, तो आप इस तरह ऊपर का जो दिया हुआ है उसको यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको और आगे कुछ बताएंगे। बी भाव, बी भाव यानी कि क्या होता है, बी भाव में आपको क्या समझना होगा, बी भाव क्या चीज़ है, इसको समझने के लिए आपको हम आसान तरीक़े से सिखाएंगे। देखिए एक हो गया एक्टिव, दूसरा हो गया क्या, पैसिव। हम लोग एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपको एक्टिव पैसिव के लिए कुछ आइडिया आपको बताएंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। देखिए इसमें आपको पहले समझाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से आप समझ पाएंगे। देखिए एक्टिव में और पैसिव में बी भाव का वी वन वी फाइव जो होता है, बी भाव का वी वन वी फाइव यानी हो गया क्या, इज एम आर पैसिव में। अगर सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस में अगर वी वन वी फाइव आया है तो आप यहाँ पे पैसिव में क्या कर पाएंगे, इसको ले जाकर इज एम आर कर देंगे। उसी तरह देखिए अगर वी टू अगर पास्ट में आया है, बी भाव का वी टू है तो उसको क्या करेंगे आप, वाज वेयर ए आप करेंगे। उसी तरह देखिए बी भाव का वी थ्री क्या है, फॉर्म, तो इसमें करेंगे हम लोग बीन। बी भाव का वाव थ्री क्या हो गया, बीन। बी भाव का वी फोर क्या हो गया, देखिए वी फोर हो गया आपका बींग। और अगर फ्यूचर में आया है, अगर वी वन बस वी वन ही आया है तो हो गया बी। देखिए तो इसमें क्या करना है, पैसिव में आपको यहाँ पे अंत में भाव थ्री कर देना है ताकि आपको पैसिव बनाने में कोई दिक्कत ना रहे। देखिए आपको सिखाएंगे और तरीके से, ये हमेशा ही आता है मॉडल भाव के साथ में बी भाव। देखिए एक्टिव और पैसिव में समझने के लिए, अगर मान के चलिए बी भाव का वी वन वी फाइव आ गया है क्वेश्चन में, आपका भाव वन और भाव फाइव आया है तो आप करेंगे इज एम आर भाव थ्री, यानी कि इज एम आर कर देंगे। और भाव टू आया है, बी भाव का भाव टू क्या होता है, होता है वाज वेयर। अगर वाज वेयर आया है तो इसके साथ आप करेंगे भाव थ्री। देखिए अगर वी थ्री आया है, बी भाव का वी थ्री हो गया बीन, ए हैज हैव हैड के जरिए वी थ्री आता है, अगर वी थ्री आप देख लेंगे क्वेश्चन में तो बीन कर दीजिएगा, बीन यानी कि उसके बाद भाव थ्री। भाव फोर आएगा, अगर एक्टिव में आएगा भाव फोर, बी भाव का भाव फोर आ गया है, अगर आप देखेंगे आई एन जी आया है तो उसको ले बदल कर बींग करिएगा, बींग प्लस भाव थ्री। और भाव वन आया है मॉडल भाव के साथ, भाव वन आया है तो बी प्लस भाव थ्री कीजिएगा, आपको आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेंगे तो एक्टिव पैसिव का जो लंबा सा फॉर्मूला होता है वो आपको पढ़ने जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये सारा सारांश में यानी कि समरी में आपको दे चुके हैं, अगर ये आप पढ़ लेंगे तो हर मुश्किल में आपको आसान लगेगा, आप अच्छे से कर पाएंगे। टेबल में आपको दिए हैं, इन्हीं तरीके से आपको समझाएंगे। देखिए अगर राधा प्लेज द फ्लूट, ये पहला नंबर का है, राधा प्लेज द फ्लूट आया है तो इसका जो फ्लूट मतलब हो गया कि बांसुरी, इसके जो क्या हो गया पैसिव में करना है तो द फ्लूट लिखिए शुरू में, द फ्लूट। अब देखिए प्लेज आया है, प्लेज, द फ्लूट हो गया सिंगल, प्लेज हो गया देखिए वी वन वी फाइव में आया है तो अब इसके साथ लीजिएगा इज, इज। उसके बाद क्या करना है, देखिए इज के बाद आपको ले जाना है भाव थ्री में, यानी कि इज प्लेड, कौन खेलता है, देखिए बाय राधा। अगर नाम आया है तो नाम कंपलसरी आपको लिखना पड़ेगा, अगर प्रोनाउन आया है तो ज़रूरत नहीं है उतना लिखने को। देखिए अब इसमें आया भाव टू में, देखिए कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, तो क्या होगा आपका आंसर, अमेरिका, अमेरिका एक ही है तो वाज डिस्कवर्ड बाय कौन, कोलंबस, कोलंबस का पूरा नाम क्रिस्टोफर कोलंबस है। देखिए दूसरा क्या है, ही हैज क्लीन द विलेज, विलेज
उसने विलेज को सफा किया है। तो इसमें क्या आंसर क्या होगा, देखिए द विलेज लिखिए शुरू में, द विलेज ए हैज वर्ब 3 है तो आपको बीन लगेगा, देखिए द विलेज हैज ही लगेगा, हैज बीन क्लीन्ड, इतना तक ही लिख सकते हैं, बाय हिम भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाय हिम। देखिए दूसरे में देखिए सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वर्ब 4 आया है तो क्या कीजिएगा, अ सॉन्ग इज, इज को इजी कीजिए, और वर्ब 4 में क्या होगा, बीन, तो देखिए अ सॉन्ग इज बीइंग सॉन्ग बाय क्या है, हर। देखिए लास्ट में आया, देखिए आई विल बाय अ न्यू अम्ब्रेला, तो इसमें क्या करना है आपको, अ न्यू अम्ब्रेला विल दिया है यहाँ पे, तो आपको विल नहीं लिखना है, विल और जो भाव वन है उसको चेंज कर दीजिएगा, विल बी बाय का भाव टू क्या हो गया, बॉट बाय मी। देखिए इसी तरह आप समझ पाएंगे हर चीज़ आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है आपको। धन्यवाद, अगर आप नए जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए आपको किस तरह ग्रामर चाहिए, और इसमें आपका साथ का ज़रूरत है, आप बहुत आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।